स्टूडेंट स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 18 जिसमें ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ाने जा रहा हूँ। देखा है ये जो चैप्टर है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देते हैं कि ये कहाँ से आया हुआ है। तो जब वर्ब के बारे में आप पढ़ते हैं तो वर्ब को अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, वर्ब को अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। जब अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को डिवाइड किया जाता है तो वो दो भाग बन जाते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक और इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म का। वर्ब की ये दोनों भाग हैं और आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब कोई ये पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, तो यू हैव टू टेल देम देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ये दो प्रकार के होते हैं सकर्मक और अकर्मक। अब देखें सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले सकर्मक, ट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या चीज होता है, हिंदी इसका होता है सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म सहित। कर्म सहित अर्थात जिस वाक्य में कर्म दिया हो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसमें जो वर्ब यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर कोई वाक्य लिखा है और उसमें कर्म दिया है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब। परिभाषा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब का, कि वह क्रिया जो अपने आशय को व्यक्त करने के लिए, वह क्रिया जो अपने आशय को व्यक्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को लेता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। यानी कि द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस इट्स सेंस, यानी कि वह क्रिया जो अपने आशय को व्यक्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, या वह क्रिया जिसे अपने आशय को व्यक्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे सीता किताब पढ़ रही है, ये वाक्य हो गया सीता किताब पढ़ रही है। दूसरा देखेंगे राम समाचार पत्र पढ़ रहा है, राम के जगह रामू लिख दे, रामू समाचार पत्र पढ़ रहा। तो ये जो वाक्य है वहां पर ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पहचानेंगे अभी आपको हम बता देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यहाँ पे और सारे एग्जांपल देख रहे हैं, जॉनसन क्रिकेट खेल रहा है या विराट क्रिकेट खेल रहा, विराट क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पर जो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब के हैं। कैसे पहचानेंगे आप कि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका डिफिनेशन हमने बताया है द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वह क्रिया जो अपने आशय को व्यक्त करने के लिए और एक ऑब्जेक्ट लेता है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे सीता किताब पढ़ रही है,
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है किताब, यहाँ समाचार, यहाँ समाचार पत्र, यहाँ क्रिकेट है। ये जो अंडरलाइन वर्ड है, यानी जिन वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया है, लाइन बनाया गया है, वो ऑब्जेक्ट है। कैसे जानेंगे? अगर आपको पहचानने में, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, एक एग्जांपल हम यहाँ लिख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, यहां देखें बच्चे रो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन उदाहरण में ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर किताब है, समाचार पत्र है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। एक दूसरा तरीका हम बता रहे हैं ऑब्जेक्ट को पहचानने का, सबसे आसान तरीका कि व्हाट और हुम से हम प्रश्न करते हैं, व्हाट और हुम से प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है, अगर वो सटीक मिल जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है, तो वही हमारा ट्रांजिटिव होता है। इसे आप याद कर लेंगे, कोई भी वाक्य हो आपको समझने में, पहचानने में कि वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, कभी गलती नहीं होगी। जैसे व्हाट मीन्स होता है क्या, और हुम मीन्स होता है व्हाट और हुम से प्रश्न करेंगे, जो जवाब मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर जवाब मिल जा रहा है तो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखें, सीता किताब पढ़ रही है, सीता क्या पढ़ रही है, या तो इससे बैठ जाए या हुम से बैठ जाए अथवा दोनों से बैठ जाए। जैसे राजू ने मुझे एक किताब दिया, राजू ने मुझे किताब दिया, राजू ने क्या दिया। यहां पे देखेंगे सीता पढ़ रही, सीता किताब पढ़ रही है, सीता क्या पढ़ रही है, जवाब मिलेगा किताब। रामू समाचार पत्र पढ़ रहा है, रामू क्या पढ़ रहा है, समाचार पत्र। विराट क्रिकेट खेल रहा है, विराट क्या खेल रहा है, क्रिकेट। राजू ने मुझे एक किताब दिया, राजू ने क्या दिया, किताब दिया। किसको दिया, मुझको दिया। श्याम ने रामू को मारा, श्याम ने किसको मारा, रामू। तो यहाँ पे किसको से बैठ रहा है और इन तीनों में क्या से बैठ रहा है, इसमें दोनों से। तो आशा यही है कि चाहे व्हाट से, चाहे हुम से, अथवा दोनों से, किसी से भी अगर जो बैठ जाता है, यानी कि इसका जवाब उस वाक्य में है जो वाक्य दिया गया है, तो वो हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। और अगर नहीं बैठ रहा तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट है मोहन, बीट सोहन, ये हमने तीन वाक्य लिखा हुआ है। और तीनों हमारे ट्रांजिटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बुक दिया है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो अपने आशय को व्यक्त करने के लिए इन तीनों वाक्य में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हुई है, ए बुक,
सो और यहाँ पर भी हर और एबो ये दोनों। यहाँ पे देखें ये जो है किसका जवाब है, व्हाट का, ये हुम का, और ये व्हाट का, और ये हुम। तो यहाँ पे देखें कि व्हाट और हुम से बैठ जा रहा तो ट्रांजिटिव है। दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अब व्हाट और हुम से, व्हाट और हुम का जवाब उसमें है तो ट्रांजिटिव, और व्हाट और हुम का जवाब उस वाक्य में नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव। जैसे राजू इज वीपी, यहाँ पे देखें ये वर्ब, ये आशय इसका पूरा हो गया है और अपने आशय को व्यक्त करने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब के लिखे गए हैं वाक्य, यहाँ पे आशय पूरा हो गया है, ये नहीं कि अपने आशय को व्यक्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट ले। द लाइन इज रोलिंग, शेर दहाड़ रहा है, ये आशय अपना व्यक्त कर दे रहा है बिना ऑब्जेक्ट के। तो जो बिना ऑब्जेक्ट के अपने आशय को व्यक्त कर दे उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न हो, वो इंट्रांजिटिव। जो अपने आशय को व्यक्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेता है वही ट्रांजिटिव होता है। इंट्रांजिटिव द वर्ड विच डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस इट्स सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव, यानी कि वह क्रिया जिसे अपने आशय को व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो इस चैप्टर में बस यही दिया गया है कि आप अच्छे तरीके से सीख सकें कि कौन ट्रांजिटिव वर्ब है कौन इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये ध्यान रखेंगे, आसान तरीका है व्हाट और हुम से अगर वो उसका जवाब उस वाक्य में दिया है तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं दिया है तो वो इंट्रांजिटिव है, ये याद रखेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का वो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।